हेलो दोस्तों, मेरा नाम 499 और आप सबका स्वागत है वापस से मेरी एक और नए वीडियो में। आज हम एक और अनबॉक्सिंग और गेम प्ले करने वाले हैं। आज हम अनबॉक्सिंग एंड गेम प्ले करने वाले हैं वन पीस पायरेट वॉरियर का, जैसे आप अपने सामने देख सकते हैं। एंड ये होने वाली है PS3 का गेम, जो कि मैं खेलने वाला हूँ इवेंचुअली एमुलेटर पे, बट फॉर दिस वीडियो वी गोना प्ले इट नेटिवली ऑन PS3। बट एट द सेम टाइम वो रिकॉर्ड भी होगा 4K में, बट वो प्ले होगा 720p में, तो क्वालिटी मतलब YouTube का कंप्रेशन उसको दबा नहीं पाएगा, मतलब काइंड ऑफ दैट्स अ मेन गोल। तो मैंने पायरेट वॉरियर 3 खेल रखी है, 4 खेल रखी है एंड मैंने कभी 1 नहीं खेली है, तो इट्स गोना बी द थिंग दैट मेरे को लगा कि एक बार खेलनी चाहिए मुझे। एंड जब ओरिजिनल पायरेट वॉरियर है अवेलेबल, तो एक बार मैंने जब 3 और 4 खेली है तो यार बनती तो है खेलनी। मैंने 2 और मंगाई थी पायरेट वॉरियर, बट उसकी जगह कोई और गेम आ गया। वो गेम एक्चुअली यहाँ नीचे पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा गेम आ गया। वो आ गया एक्चुअली ये गेम, ये आप देख रहे हो, ये गेम आया उसकी जगह, पायरेट वॉरियर 2 की जगह। तो मेरे को उसका रिफंड तो मिल गया है, मतलब रास्ते में है। एंड मैं पायरेट वॉरियर 2 ढूंढ रहा हूँ कि मेरे को ईबे पे या कहीं मिल जाए, बट इंग्लिश वाला नहीं मिल रहा है, सिर्फ जैपनीज वाला मिल रहा है। तो आई एम लाइक मैं वहां अटक गया हूँ। तो लेट्स सी कहाँ मिलता है मुझे इवेंचुअली। बट आज हम इसको अनबॉक्स करने वाले हैं प्लेस्टेशन 3 के लिए, पायरेट वॉरियर 1 को। ये इंग्लिश वाला वर्जन है, एशिया इम्पोर्ट है। बट तो PS3 वन पीस पायरेट वॉरियर एंड BLES नंबर है, अगर ये फोकस कर रहा होगा, मुझे नहीं पता, कलर की वजह से नहीं पता चलता लॉग में। एंड यहाँ लिखा है गम PS3 गम, अगर आप लोगों को आप वन पीस के फैन हो तो गम तो पता ही होगा। बट यहाँ पे हमारे थोड़े कैरेक्टर बने हुए, लूफी, सांजी, नामी, चॉपर, फ्रेंकी, रॉबिन एंड जोरो, उसोप, ब्रुक। अब इनके अलावा मैंने आई थिंक सबके ही नाम ले लिए हैं पूरी टीम के। तो यार एंड यहाँ 1-2-2 प्लेयर है एंड 4700 मेगाबाइट मिनिमम, मतलब वो गेम डाटा इंस्टॉल करेगा, इतना समझ में आ गया। ड्यूल शॉक 4 वाइब्रेशन फंक्शन HD 720p एंड ये वो सेम सेलर से मंगाया है, तो इसने भी अपनी प्राइस चिपका रखी है। एंड मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग PS3 आप लोगों ने कभी खेला नहीं है और आप लोग सोच रहे हो कि मैं 12 GB का ले लूं या कुछ ऐसा, मतलब सस्ते में मिल रहा हो, तो वो गलती मत करना, मैंने वो गलती करी थी, है ना। तो उसका सीन ये है कि जो कुछ कुछ गेम होती है उनके सिर्फ सेव डाटा होते हैं PS3 पे और बाकी गेम CD के द्वारा ही चलती है। बट अगर आप CD लेते हो, और कुछ कुछ गेम होती है कि उनको गेम डाटा इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जैसे बैटमैन आर्कम सिटी हो गया, ये गेम हो गई, तो ये जो हार्ड ड्राइव या फ्लैश ड्राइव जो भी कहना चाहो उस पर इंस्टॉल करेगी। तो अगर आपका 12 GB होगा ना, तो ये 5 GB तो यही ले लिया, फिर आपके कुछ बचेगा ही नहीं। और GTA 5 उस पर अगर आप लोग PS3 पे जस्ट अबाउट बाय चांस खेलना चाहो, पुराने जमाने का कैसा दिखता था वगैरह ट्राई करने के लिए, तो वो PS3 12 GB वाले पे नहीं चलता है। तो जस्ट फॉर द क्विक कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा था। एंड लेट्स एक्चुअली ओपन दिस अप एंड सी क्या निकलता है इसके अंदर से, डिस्क कैसी निकलेगी, क्योंकि होनी तो नहीं न्यू चाहिए, क्योंकि अमेजोन से लिया है मैंने, एक गेम फ्लिपकार्ट से भी लिया है, तो फ्लिपकार्ट वाला गेम भी अनबॉक्स करूंगा अभी मैं थोड़ी देर में। बट वी गोना सी कि कैसा निकलता है। अभी के लिए मैं जानबूझ के ऐसा काट रहा हूँ कि थोड़ा बच जाए मेरा CD का कवर तो मजा ही आ जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग एंड आई थिंक सो आई डिड इट राइट, हाँ I did kind of right, but not total right. But either way, we're gonna open this up. Boom! ये थोड़ा case है, थोड़ा टेढ़ा सा हो रखा है, मैं इसको सीधा कर सकता हूँ क्या? I doubt, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा ही है। ये original PS3 वाला केस है, तो बिकॉज ब्लूरे डिस्क उसमें मिडल में होती थी, बट जो आई थिंक सो मैंने बेंट एंड ओमनीवर्स की अनबॉक्सिंग करी है उसमें ब्लूरे डिस्क वाला लोगो यहाँ था, तो आई थिंक सो मे बी वो वाला ओरिजिनल नहीं था, बट आई एम नॉट 100% श्योर। और ये रही हमारी डिस्क, एक लौती चीज है जो अंदर है इसके। तो यहाँ पे हमारा एस बना हुआ है और लूफी बना हुआ है, तो आई थिंक सो एस से, जब एस का मतलब जो हुआ था स्टोरी में, मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा, बट जो एस के साथ हुआ था एंड में, वो वहां पे आई थिंक सो ये गेम खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से। और डिस्क में स्क्रैचेस यार देखो थोड़े, मतलब डर्ट पार्टिकल्स तो दिख रहे हैं मुझे ज्यादा ही, स्क्रैच का मैं इतना बता, स्क्रैच में हाँ थोड़ा लग रहा है कि हाँ थोड़ी ऐसी है,
बट आई थिंक सो रीडेबल होनी चाहिए PS3 पे, कोई दिक्कत नहीं देनी चाहिए मोस्ट लाइकली। एंड ये गेम शायद 2010 के बाद ही आया है, क्योंकि अगर 2008 के अराउंड आता ना तो यहाँ पे एक्चुअली इसके यहाँ पे PS3 का PlayStation 3 लिखा रहता। तो क्योंकि जैसे आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने देखी हो अनचार्टेड जो 1 थी उसमें PS3 का यहाँ पे नाम है। मैंने अनबॉक्स नहीं की, मैं करूंगा अनबॉक्स क्योंकि जब मैं लूंगा तो यहाँ पे PS3 का नाम है रेदर देन PS3 लोगो हेयर, इट्स हेयर लाइक दैट। मैंने आई थिंक तो हेवनली सॉर्ड में ऐसा ही हुआ था मेरे साथ कि मैंने उसकी अनबॉक्सिंग जब करी थी उसमें ऐसा ही था, क्योंकि वो ओरिजिनल PS3 लॉन्च टाइटल के अराउंड थी। तो PS3 अराउंड 2006 में हुआ, आप लोगों को पता ही होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल को पता ही होगा कब हुआ है। बट अब टाइम है इसका गेम प्ले करने का, तो सी यू गाइस ऑन PS3 नाउ एंड रिकॉर्डिंग इन 4K अगेन एंड 720p गेम प्ले, सी यू। ओके दोस्तों, अब आ रही है गेम प्ले की वन पीस पायरेट वॉरियर के ऑन PS3, सो लेट्स जस्ट बूट दिस अप। ये मैं पहली बार खेल रहा हूँ तो आई हैव नो क्लू हाउ दैट्स एक्चुअली गोना रोल आउट, एंड ये ऑब्वियसली 720p पे चलेगा गेम PS3 पे, बट मैं अपस्केल होगा ये बाद में 4K में। अभी OBS के थ्रू ही 4K में अपस्केल हो रहा है, तो क्योंकि यूजली सब लोग बोलते हैं कि OBS का जो अपस्केलिंग मेथड है ना वो ऑलमोस्ट लॉसलेस है, तो अगर लॉसलेस होगा ना तो ऐसा लगेगा नहीं कि आप अपस्केल कर रहे हो, पिक्सल फटे या कुछ ऐसे आएंगे, तो जो बात अच्छी है OBS की, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक। अभी मैं जस्ट नहा के आया हूँ तो पता नहीं थोड़े बाल बाल ऐसे होंगे शायद। लोड द सेव, मेरे को नहीं पता ये कब का सेव बनाया मैंने, 18/1, अच्छा 18 तारीख को मैंने चेक करने के लिए, हाँ मुझे याद है। ओके, बैंडाई नेमको का गेम है, टेक्मो कोई गेम्स ने बनाया शायद तक, पब्लिशर क्योंकि बैंडाई नेमको है, टोई एनिमेशन, तो इंग्लिश तो नहीं होगा, हाँ हिंदी, वो मतलब जापानी था, हिंदी बोल रहा था मैं, हिंदी कब से आने लगे एनिमे गेम। ओके मैं एक बार डिफिकल्टी देख लूँ, नॉर्मल पे रखनी हमें क्योंकि लेट मी चेक द डिफिकल्टी गाइस एंड गेम सेटिंग नॉर्मल ठीक है, सबटाइटल वगैरह सब ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा में तो अच्छा ये है ना, यस कैंसिल द ऑपरेशन क्योंकि हमारा ऑटो सेव है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग खेलने वाले मेन लॉग, वी गोना स्टार्ट दिस अप, बट ऑब्वियसली हम लोग कुछ अबाउट 20 मिनट के समथिंग खेलेंगे, एंड ऑल आई कैन से फॉर दिस लाइक गेम प्ले एंड ऑल, इसका 4K वर्जन आपको देखने को मिलेगा, कब मिलेगा, या तो मार्च के एंड में या फिर अप्रैल में, मैं कुछ नहीं कह सकता, बट लेट्स वॉच द कटसीन फॉर अ बिट, क्योंकि लूफी की थोड़ी एंट्री है तो वो देखनी तो बनती है, वो देखनी तो बनती है। ये देखनी तो बनती है। सांजी जोरो, रूफी इगाई वा ना ओमेरा मो तोत्तो कोई यो काइगुन नी मिसकारु तो मेंदो दा। ओके ओके, वी गोना स्किप क्योंकि ये, अरे यार ये 30 FPS है, पता चल रहा है, ये पता चल रहा है 30 FPS है यार। मैंने वन पीस पायरेट वॉरियर सारे 60 FPS में खेले, तो ये 30 FPS में खेल के बहुत अजीब लग रहा है। ओके मिशन कंप्लीट, मैंने कर तो दिया वैसे। Let's go. Okay. Nice. एक बार हो गया। अरे गम गम कैटलिंग, अरे नाइस एलिफेंट गन, ये काइंड ऑफ पायरेट वॉरियर जैसे ही रखा है इन लोगों ने, पायरेट वॉरियर 3 में जैसे है और 4 में जैसे है, बट यही है कि ये वो 60 FPS से ये 30 FPS है। ओके बस अब हराना है ना, कोई मिशन नहीं है ना,
以上の強さだ。OK。Let's go。इनके मरीन कैप्टन कितने बचे हैं भाई? इसमें वो एक्सक्लेमेशन मार्क जो मिल रहे हैं ना, वो वैसे क्या कहते हैं उसमें भी मिलते हैं अगर आप उसमें याद करो। तो उसका सीन है। ओ ये पैसी समथिंग करके नाम है इसका, मैं नाम भूल गया एक्जेक्टली, बट पैसी समथिंग है। 4 मिलियन की बाउंटी। ओके, इतना ज्यादा टाइम दिया इन लोगों ने। अरे यार ट्रॉफी क्यों मिल जाती बात बात पे? नहीं चाहिए मुझे ऐसे टाइम पे ट्रॉफी यार। मेरे को फिर ये वीडियो सेव करके रखनी पड़ेगी, और फिर मेरे को जो स्पेसिफिक वीडियो मैं बनाने की सोच रहा हूँ ट्रॉफी रिलेटेड, तो वो मैं नहीं बना पाएगा। दिक्कत यह है, मतलब बना पाऊंगा लेकिन मेरे को थोड़ी ज्यादा एडिटिंग करनी पड़ेगी। एडिटिंग से बचना चाह रहा हूँ मैं। मतलब जिस दिन सोचूंगा वो वीडियो बनाऊंगा उसी दिन मैं सारी ट्रॉफी करना चाहता हूँ, बट नहीं वो ऐसा नहीं। ओके, आराम से कुछ नहीं, हम ज्यादा इधर उधर घूमते रहते हैं बस। मैं तो बस एक मूव कर रहा हूँ उसको हराने के लिए, अभी लेट गया। अब मैं बताऊँ इन्हें क्यों क्यों नहीं किया मेरा सर्कल मूव? मेरे को इसका वेट करना था कि ये जब अगले बार में आएगा तब करूंगा, जब ज्यादा डैमेज कर पाऊंगा। यार मैं सर्कल दबाता हूँ डॉट के लिए, तो थोड़ी आदत हो गई उस चीज की। आई थिंक सर्कल शायद तक एपेक्स लेजेंड में भी सर्कल ही है, इसलिए मैं एपेक्स लेजेंड अभी खेल रहा हूँ कुछ दिनों से, शायद इसलिए मैं दबा रहा हूँ। हाँ मैं उसमें वो लगा था, अलग है, मैं दूसरा कंट्रोलर यूज करता हूँ, लाइक आई यूज माय प्रो कंट्रोलर DualSense Edge, बट अब वही है कि थोड़ा मतलब कभी कभी गलती से दब जाता है, और मेरे को पता है कि उससे क्या कमांड होता है, तो मेरे को हैबिट में वो लगा हुआ है। R1 यूनिक एक्शन। अरे मतलब इन लोगों ने वो रखा है, अरे वो नारुतो में नहीं करते ऐसे क्यूटी इवेंट आते हैं, वैसे ही टाइम काइंड ऑफ रखा है। यू आर टू स्लो। कोई नहीं, एक और ट्रॉफी मिल गई, लॉल। अभी ट्रॉफी की बारात आने वाली है गाइस, WWE आने वाला है आज से 3 दिनों में, और आज ही आपके लिए ये वीडियो जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ आज से 3 दिनों में मेरे को 4th को मिल जाएगी। मैंने अभी प्री ऑर्डर करी नहीं है, अभी मुझे फिजिकल भी करनी है, डिजिटल भी करनी है, बट फिजिकल मेरे को स्टैंडर्ड लेनी पड़ रही है, तो वो अनबॉक्सिंग आपको 8 तारीख से पहले नहीं मिलने वाली, मिनिमम 8 तारीख होगी, एंड वो मेरा बर्थडे भी होगा, तो या बर्थडे गिफ्ट अगर गेम तो अपने टाइम पर दे दिया तो। अब लेट्स सी बर्थडे गिफ्ट मिलता है, क्योंकि उस दिन शिवरात्रि भी है, तो अब मुझे नहीं पता क्या रहेगा। इसमें वैसे सर्कल वगैरह बोल रहा है गेम, बट मुझे लोड आउट की वजह से पता है, बट इसमें सर्कल वगैरह है नहीं। आप पकड़ देख सकते हो तो YB और ये सब है, एक्सबॉक्स वाला बटन है, बट मुझे पता है कि कौन सा बटन कौन सा होता है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती।
जैसे कई लोग कंफ्यूज होते हैं ना, मैं बोलते हैं सर्कल है और वो एक्सबॉक्स होते हैं, तो वो बोलते हैं अरे कौन सा सर्कल, सर्कल क्या होता है? अबे लोडआउट तो सेम है मेरे भाई, वो बी वहीं पर है, सर्कल भी वहीं पर है, एक्स भी वहीं है, ए भी वहीं है, तो क्या उसमें तुम लोगों को कंफ्यूज होना? पता नहीं लोग कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे को हाइब्रिड पड़ गई है। मैं जबकि प्लेस्टेशन खेला मैंने पूरे टाइम, बट मुझे पता है एग्जैक्ट, मुझे अंदाजा है, क्योंकि वो लोडआउट सेम रहता है, बस स्टिक की वो डी पैड की जगह स्टिक और स्टिक की जगह डी पैड आ जाता है और कुछ नहीं होता एक्सबॉक्स में। अरे यार एस की शायद ट्रॉफी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, एस की ट्रॉफी हो सकती है। ओके टू बी कंटिन्यूड, बस मुझे यहाँ तक ही खेलना था अभी के लिए, तो आई थिंक सो दिस इज गुड, क्योंकि हाँ हमने थोड़ा गेम प्ले कर लिया है 2 years लेटर वाला और हमें ट्रॉफी भी मिल गई। नेक्स्ट एपिसोड या लंबा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, तो आई रियली डोंट वांट टू डू इट, मेरे को प्रॉपर गेम प्ले डालना था, मैंने ज्यादा इसलिए कट सीन भी स्किप कर दिया। तो ऑल आई कैन से फॉर नाउ इज जस्ट गोना सेव एंड द वीडियो, एंड आई होप आपको इसमें मजा आएगा, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। ये थी अनबॉक्सिंग एंड गेम प्ले ऑफ वन पीस पायरेट वॉरियर 1, एंड पायरेट वॉरियर 2 का भी होता, बट क्या कहते हैं अमेजोन से मंगाया था मैंने शायद, हाँ अमेजोन से मंगाया, उसने मेरे को दूसरा गेम दे दिया, अभी भी पड़ा है वो गेम मेरे पास। लेट मी जस्ट शो यू गाइस, ये गेम दे दिया मुझे उस बंदे ने। अब इसकी अनबॉक्सिंग और गेम प्ले मैं डालूंगा, लेकिन मैं शायद बाद में डालूंगा, मुझे नहीं पता मैं कब डालूंगा, अभी तक सील पड़ा हुआ है, अभी तक सील है, तो आई कांट से। एंड ऑल आई कैन से फॉर नाउ इज दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड इट, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना, ये बोल चुका हूँ एक्चुअली, तो सी यू गाइस लेटर। एंड आज रात को एक तो फुल गेम आ जाएगा ब्रदर्स टेल्स ऑफ टू सन्स का, नो कमेंट्री वाला और हिंदी वाला कल सुबह आ जाएगा, एंड ऑल्सो आई थिंक सो ऑन 2nd या 3rd, अभी कन्फर्म नहीं है, उस दिन भी एक और अनबॉक्सिंग आएगी जो मैंने करी थी और अभी तक डाली नहीं, वो पीसी का गेम है बट उसकी भी डालना बनता है, तो दैट्स ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू डू, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसकी जगह सुसाइड स्क्वाड या कोई और गेम कंप्लीट करूंगा या फिर मैं वो अनबॉक्सिंग डालूंगा, तो मैं अभी गारंटी नहीं कह सकता क्या सीन रहेगा, बट 4th को आप लोगों को मिलने वाला है WWE, दैट फॉर श्योर 4th को 4:30 बजे शाम को मुझे मिल जाएगा एक्सेस, तो मैं वैसे ही झट झट खेलता जाऊंगा, तो सी यू गाइस लेटर इन दैट, पीस फॉर 99 आउट।